समाजवादी पार्टी हमेशा ताकत के बल पर चुनाव जो है जीतती चली गई। ताकत मतलब गुंडई? नहीं, गुंडई नहीं, ये राजनीतिक ताकत मतलब हमारी संख्या नहीं हुआ करती थी पहले। अगर आप 1962 में 1963 में 1964 में जब डॉक्टर लोहिया जी जब संघर्ष करते थे तो ऐसा नहीं कि हजारों का मजमा लगा करता था। उस समय कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पहाड़ था कि जिसको हरा पाना किसी के लिए संभव हुआ नहीं करता था। धीरे धीरे समाजवादियों ने एक एक दो दो चार चार की ताकत करके जो है अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम किया। ये पहली बार है कि 89 के बाद से हम राजनीतिक सत्ता में आए, नहीं तो 77 का जो हमारा प्रयोग था जनता पार्टी का, सबका मिला जुला प्रयोग था। तो ऐसा नहीं कि हम एक दिन जो है जनता ने हमको स्वीकार कर लिया और हम बहुत शक्तिशाली राजनीतिक रूप से जो है बने जो है एक ग्राउंड लेवल पे जो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखा है उसकी तो कमी है आपके यहाँ। नहीं, यही आप कहना चाहता हूँ कि जो बूथ कमेटी किसी भी राजनीतिक दल में हमारे यहाँ भी उतनी महत्वपूर्ण है जिसकी आज चर्चा आप कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से मैं बूथ कमेटी को देख रहा हूँ, चाहे वो अपने दल की जो है हमारी जो बूथ कमेटी है, मैं इलाहाबाद जनपद की बात करूँ, और पार्टी ने हर स्तर पर बना रखा है। डेमोक्रेसी में जमहूरियत में जनता मालिक होती है और जनता आज जिस भारतीय जनता पार्टी को इतनी पराकाष्ठा तक पहुंचाई है वही जनता सबको। आप जीत गए, बाकी कैसे हार गए थे? नहीं, ये तो परिस्थितियां होती है, चुनाव की परिस्थितियों की वजह से आदमी चुनाव जीतता है या हारता है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं होती है। तो 19 में क्या तैयारी है? 19 में हमारी तैयारी पहले अभी संगठन का हम, और हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, झगड़ा कब खत्म करेंगे? देखिए संगठन का पहले हम अपना चुनाव करेंगे।